सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं हाँ संजीव यश खन्ना, थोड़ा सारे का स्वागत खबरों के इस बुलेटिन के। खबरों के इस बुलेटिन के स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स के रियलटर गुर जतेंद्र सिंह रंधावा। तुसी हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदने ते वेचन लई उन्होंने संपर्क कर सकते हो। रीमैक्स रियल एस्टेट की दुनिया का मन्या परमन्या ना। हुण पेश ने अज दीआं चोणवीआं खबरां। ज़्यादा तनख्वाह के लालच विच विदेश विच फसे भारती। पंजाबी भाईचारे के वफद वालों ऑस्ट्रेलियन इमीग्रेशन मंत्री नाल मुलाकात। सिंगापुर अगले 3 साल में भारत तो 180 जूनियर डॉक्टरों की करेगा भर्ती। हड़ का पानी घटदिया ही पाकिस्तान सामने आई नवी मुसीबत, यूएन की ताज़ा रिपोर्ट विच चेतावनी। पुतिन झटका, यूक्रेन ने रूस तो लैमन दे लॉजिस्टिक हब का कंट्रोल खोलिया। ते हुण खबरां दा विस्थार। सैनिक सत्ता वाले म्यांमार के गुमनाम इलाकों में 500 तो ज़्यादा भारतीय IT पेशेवर बंधक बना के दिन रात काम करवाया जा रहा है। काम नहीं करने तसीहे दिते जा रहे हैं। भारत सरकार ने अलग अलग स्रोतों जरिए उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की। इन्होंने 32 भारतीयों छुड़ाया जा चुका है। उन्होंने को पता चलिया कि IT पेशेवर ज़्यादा सैलरी का चांसा दे के फसाया जाता है। म्यांमार के जड़े इलाकों में बंधक रखे जाते हैं, उत्थे माफिया के नाल नाल चीनी फौज की भी दखल अंदाजी रही है। पेशेवर डिजिटल फ्रॉड लई इस्तेमाल किया जा रहा है। बंधकों क्रिप्टोकरेंसी नाल जुड़ी सरगर्मियों में भी लगाया गया है। बंधकों के दम से ही म्यांमार नाल धोखाधड़ी का कौमांतरी गिरोह चल रहा है। पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलियन इमीग्रेशन सिटीजन अते बहु सभ्याचारक मामलों के मंत्री एंड्रयू गायल्स अते विक्टोरिया के ऊर्जा वातावरण के सोलर होम मंत्री लिली डी एम्ब्रोजियो नाल मेलबॉर्न विखे पंजाबी भाईचारे के एक वफद वालों मुलाकात की गई। इस मौके वफद वालों पंजाबी भाईचारे को वीजे संबंधी पेश आ रही वक्-वक् मुश्किलों के मुद्दे मंत्री कोल चुके गए। इमीग्रेशन मंत्री ने मन्या कि वीजे संबंधी पंजाबी भाईचारे को जो मुश्किल पेश आ रही ने, इसलिए सरकार कुछ हद तक जिम्मेवार है, जिसनों जल्द ही हल कर दिता जाएगा। सिंगापुर अगले 3 साल में भारत तो 180 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। इस कदम से कई लोगों ने सवाल भी उठाए ने। यह जानकारी मीडिया की एक खबर में दी गई है। खबर मुताबिक 10 अक्टूबर को खत्म होने वाले एक टेंडर के तहत 2022 तो 2024 तक भारत तो हर साल 60 मेडिकल अफसरों की भर्ती करने का टीचा रखा गया है। इस स्कीम 2025 तक वधाने की भी संभावना है। सिंगापुर दी जनतक सेहत संस्थावां नाल जुड़ी एक कंपनी MOH होल्डिंग्स MOHH के अनुसार सिंगापुर काम के बोझ नूं घटाउण अते अपने सेहत खेत्र दी जरूरतों पूरा करन लई विदेशों तो डॉक्टरों की भर्ती कर रहा है। टेंडर की पुष्टि करदिया कंपनी ने कहा कि डॉक्टरों की भर्ती सिर्फ भारत तो ही नहीं सगो ऑस्ट्रेलिया अते यूके तो भी की जा रही है। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अजिहे लोगों की भाल है जो मैडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट विच सूचीबद्ध मैडिकल कॉलेज तो ग्रैजुएट होए ने। कंपनी ने कहा इन्हां डॉक्टरों नूं सख्त नियमों के तहत क्लीनिकल अभ्यास लई शर्तिया रजिस्ट्रेशन की इजाजत दी जाएगी। कंपनी के अनुसार सिंगापुर मेडिकल कौंसल द्वारा मान्यता प्राप्त मैडिकल स्कूलों तो ग्रैजुएशन करने वाले स्थानक लोगों नूं तरजीह दी जाती है। हालांकि इस टेंडर नूं लैके डॉक्टरी भाईचारे विच चिंतावां वध गईआं ने। सोशल मीडिया से कई लोगों ने इस लैके सवाल खड़े किए ने, जदों के कुछ ने भारत तो डॉक्टरों की भर्ती से सवाल उठाए तो कुछ ने जाली प्रमाणीकरण से चिंता जाहिर की है। होरनां पुछा कि सिंगापुर इस की बजाय देश के मैडिकल स्कूलों में विद्यार्थियों की गिनती क्यों नहीं वधा सकता। पाकिस्तान में हड़ां कारण डुबे इलाकों में हुण पानी के पद्धर में गिरावट दर्ज की जा रही है। जिथे एक पासे राहत की गल है, उत्थे दूजे पासे एक डर की गल है। राहत इसलिए क्योंकि हुण राहत कार्य तेज किए जा सकते हैं। डर इसलिए क्योंकि पानी हेठां आउण नाल कई बीमारियां तेजी नाल फैल सकदियां ने। पाकिस्तान सरकार मुताबिक सिंध के 22 विचों 18 जिले में हड़ का पानी घटना शुरू हो गया। कितें ये 35% है तो कितें ये घट के 80% तक आ गया है। इस दे नाल ही हड़ प्रभावित इलाकों में खरा की संकट डूंगा होंदा जा रहा है। इन्ना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हड़ दा पानी घटन नाल पानी तो होण वालियां बीमारियां सब तो वड्डा खतरा बन सकदियां ने। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ते इस दा कहर देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति ते ताज़ा रिपोर्ट जारी की है।
इस विच कहा गया है कि बलोचिस्तान के ज़्यादातर ज़िलों के हड़ के पानी विच गिरावट नाल तापमान विच गिरावट दर्ज की जा रही है। इतों के ज़्यादातर इलाकों में पानी का पद्धर हेठा तो आ गया, दरियावां दे पानी का पद्धर भी अपनी स्थिति विच वापस परत रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट मुताबिक पाकिस्तान के इन्हां तिना सूबों के 70 लाख तो वध लोगों को भोजन संकट का सामना करना पै सकता है। हड़ की शुरुआत तो लैके हुण तक इस विच करीब 10 लाख लोग तो वध चुके ने। रिपोर्ट मुताबिक पाकिस्तान में यह स्थिति मार्च 2023 तक जारी रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र दे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन IPC अनुसार सिंध में हड़ का पानी घट होने के बावजूद स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हड़ा तो प्रभावित लखां लोगों को सफाई की समस्या का सामना करना पै रहा है। टेंटा च बने अस्थाई रिहायशों में लोड़ींदा समान ना मिलन कारण स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इन अस्थाई कैंपों में लखां गर्भवती औरतां भी ने, उन्हां लई सेहत सेवावां अते लोड़ींदियां सहूलतां दी भी घाट है। रूस यूक्रेन युद्ध हर रोज़ नवें विकास नूं जन्म दे रहा है। रूस के तेज़ हमलों तो बाद हुण यूक्रेन ने भी जवाबी हमले तेज़ कर दिते ने। इस दौरान यूक्रेन ने एतवार नूं लीमन दे पूर्वी लॉजिस्टिक हब ते पूरा कंट्रोल करन दा दावा कीता। ये यूक्रेन लई वड्डी कामयाबी मन्नी जा रही है, जो रूस नाल जंग विच कुछ हफ्तियां तो पछड़ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं ये वड्डा झटका उदों लगा जदों यूक्रेन ने लॉजिस्टिक हब नूं मुड़ हासिल कर लिया। रूस लई एक खेतर जमीनी संपर्क बनाउण लई बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सी। नाटो दे 71 जनरल जेम्स स्टोल्टनबर्ग दे अनुसार शहर उत्ते लहराउंदे होए यूक्रेन दे झंडे ये दर्शाउंदे ने कि यूक्रेन रूसी फौजां नूं दूर करन दे समर्थ है, अते ये दर्शाउंदा है कि यूक्रेन दे उन्नत पछमी हथियारां दी तैनाती पुतिन दीआं फौजां नूं घेर रही है। यूक्रेन दे राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एतवार नूं कहा कि देश दे सैनिकां दी सफलता लीमन नूं मुड़ हासिल करन तक सीमित नहीं है। उसने कहा कि यूक्रेन दी फौज नूं खेरसन खेतर विच अरंखंगलेक्सके अते माइरो यूबीवका बस्तियां नूं भी आज़ाद कर लिया। यूक्रेन दी इंटरफैक्स एजेंसी ने रिपोर्ट दित्ती कि यूक्रेनी बलों ने हुण आज़ाद होए लीमन तो लगभग 15 किलोमीटर 9 मील पूर्व विच डोनेस्क खेतर दे एक छोटे जिहे पिंड टॉर्सक नूं मुड़ कब्जे विच लै लिया। रूस दे रक्षा मंत्रालय ने शनिवार नूं कहा कि ओह घेराबंदी दे खतरे नूं देखते हुए लीमैन खेतर तो फौजां नूं हटा रहा है। रूसी फौज ने खारकीव, जबरीजिया, माइकोलाइव अते डोनेस्क दे यूक्रेनी खेतरां विच 7 तोपखाने अते मिजाइल डिपुआं नूं नष्ट कर दिता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन दे रूस दे कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट दे डायरेक्टर जनरल दा अगवा रूसी दहशत दा नतीजा सी। ज़ेलेंस्की ने रात नूं अपने वीडियो संबोधन विच कहा, यह रूसी अतवाद दी एक स्पष्ट कार्रवाई दी एक होर उदाहरण है जिस लई लोग दुख झेलदे रहणगे। गुजरात दे BJP लीडर नूं पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल सैल्फी लैणी महंगी पै गई। BJP ने पता लगदिआं ही कृष्ण सिंह सोलंकी नूं पार्टी तो मुअत्तल कर दिता। सोलंकी BJP दा सीनियर लीडर है ते 6 महीने पहला तक वह पार्टी दा बुलारा भी रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दे दौरे उपर गए सी। इस दौरान कृष्ण सिंह सोलंकी ने CM भगवंत मान नाल सैल्फी लेके फेसबुक उत्ते शेयर कर दी। BJP ने इस नूं पार्टी विरोधी गतिविधियां कहिंदिआं कृष्ण सिंह सोलंकी नूं मुअत्तल कर दिता। गुजरात भाजपा ने कहा कि उस नूं तुरंत प्रभाव नाल मुअत्तल कर दिता गया। दस दईए कि सोलंकी ने एतवार रात मान नाल लई ए सैल्फी सोशल मीडिया ते शेयर करदिआं लिखिआ, जन्मदिन दीआं शुभकामनावां देण लई भगवंत मान जी दा धन्नवाद। भाजपा ने बयान जारी करदिआं कहा कि सोलंकी नूं पार्टी विचों 6 सालां लई कढ दिता गया। गुजरात भाजपा दे तर्जमान यग्नेश दवे ने कहा कि सोलंकी भाजपा की मीडिया टीम का हिस्सा सी ते बुलारा भी रह चुका है, पर हुण उस कोल कोई अहुदा नहीं सी। सोलंकी की फेसबुक प्रोफाइल मुताबिक वह भाजपा किसान मोर्चे का कौमी कार्यकारी मैंबर भी रह चुका है। पंजाब विधानसभा विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पुलिस हिरासत विचों फरार होए गैंगस्टर दीपक टीनू का जिक्र करदिआं कहा कि गैंगस्टर नूं फड़न लई ऑपरेशन जारी है, वह जल्दी ही सलाखां दे पिछे होएगा। उस खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिता गया है अते नेपाल बॉर्डर ते सख्ती वधा दित्ती गई है। इस तो पहलां विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गैंगस्टर दे फरार होण ते सरकार नूं घेरदिआं
विगड़ती कानून व्यवस्था से सवाल चुके ने। मुख्यमंत्री ने इन सवालों के जवाब दिते। दूजे पासे लापरवाही वरतन वाले पुलिस अधिकारी का जिक्र करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना लई जिम्मेवार पुलिस अधिकारी प्रितपाल सिंह नूं बर्खास्त कर दिता गया अते उस खिलाफ केस दर्ज करके अदालत राही 7 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड ते भेज दिता गया। मुख्यमंत्री ने सूबे विच गैंगस्टरवाद लई साबका अकाली अते कांग्रेस सरकार नूं जिम्मेवार ठहराउंदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गैंगस्टर आम आदमी पार्टी की सरकार वेले पैदा नहीं होए ये पिछलियां सरकारां वल्लों दित्ती शरण कारण समाज लई खतरा बन गए ने। पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं एक दुखदाई घटना करार दिंदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने हुण तक 36 व्यक्तियों खिलाफ केस दर्ज करता है जिस विच 4 शार्प शूटर समेत 28 नूं गिरफ्तार किया गया है किसी भी मुलजिम नूं बख्शिया नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार बरगाड़ी कांड के दोषियों नूं सख्त तो सख्त सज़ा दिवाउण लई वचनबद्ध है। मान ने अधिकारियों नूं मामले की जाँच जल्दी तो जल्दी मुकम्मल करने लई कहा तां जो दोषियों खिलाफ कार्रवाई की जा सके। राजनीति विच तजर्बा एक अजिहा शस्त्र हुंदा है जिसका जेकर सही ढंग नाल राजनीतिक दल योजना बनाउण विच इस्तेमाल करे तो वड्डे तो वड्डे राजनीतिक दुश्मन दियां डूंगियां चालां दा मुकाबला कीता जा सकदा है। अजिहा ही कुछ विधानसभा चल रहे ऑपरेशन लोटस नूं लैके सर्वशक्तिमान 92 विधायकों वाली आम पार्टी अते भाजपा के 2 विधायकों वाली पार्टी विच चल रही राजनीतिक जंग विच देखण नूं मिलिया। विधानसभा चोणां विच चाहे आम आदमी पार्टी ने पंजाब विच सारे दलों का सूपड़ा साफ करते हुए 92 विधायकों के नाल विधानसभा विच प्रभावशाली तरीके नाल एंट्री की पर तजर्बे के नाँ ते उन्हां कोल 8-10 विधायक हैं जिन्हां नूं विधानसभा का 5 साल तो ज़्यादा का तजर्बा है। भाजपा का अकालिया नाल किसान अंदोलन दौरान वक्ख होना दोवां लई एक वड्डा राजनीतिक झटका साबित होया। नतीजे वजो विधानसभा चोणां विच कांग्रेस के नाल नाल इन्हां दोवां दलों का भी सूपड़ा साफ हो गया। दिग्गज तो दिग्गज आगू राजनीतिक तौर पर लोगों वल्लों रिजैक्ट कर दिते गए। दूजे पासे केंद्र विच मोदी सरकार होण कारण पंजाब की वागडोर अमित शाह वल्लों अपने हाथ विच लैण अते राष्ट्रीय प्रधान JP नड्डा का पंजाब का पुराना तजर्बा होण दे चलदिआं भाजपा कांग्रेस के कई सीनियर आगूआं नूं चोणां तो पहलां अते बाद विच पार्टी विच शामिल करन विच सफल होई। देश विच हालात अजिहे बने कि हुण आम आदमी पार्टी का गुजरात अते हिमाचल प्रदेश विच सिद्धा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नाल है। आम आदमी पार्टी उत्थे कांग्रेस नूं रिप्लेस करना चाहुंदी है ताकि साल 2024 लोकसभा च देश का ध्यान आकर्षित कर सके पर भाजपा का मुख विरोधी बनन लई उस नूं कई राजनीतिक तिकड़मबाजी करनी पै रही है। दिल्ली अते पंजाब विच ऑपरेशन लोटस नूं लैके राजनीति हो रही है। पंजाब विच ऑपरेशन लोटस दे चलदिआं मान सरकार विश्वास मत लैके आई है अते 4 दिन का सैशन होया है। इस गल की बहुत घट संभावना सी कि 2 विधायकों वाली भाजपा पंजाब विच आम आदमी पार्टी दी योजनावां दा मुकाबला कर सकती है पर क्योंकि इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी पार्टी का रलेवा भाजपा विच कर दिता जिसकी पंजाब विच खूब चर्चा हुई। सीनियर तजर्बेकार आगू सुनील जाखड़ अचानक भाजपा विच सरगर्म होण लगे अते उन्हां दा पंजाब दी भाजपा टीम दे नाल तालमेल हो गया। नतीजे वजो भाजपा ने सैशन दे पहले दिन जबरदस्त प्रदर्शन किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा दफ्तर आए अते वड्डे कद दे आगू होण दे चलदिआं उन्हां नूं खूब कवरेज मिली। उन्हां दे राजनीतिक हमले भी काफ़ी जोरदार होंदे ने। UK की नामवर कंपनी HP कैपिटल ने पंजाब विच 3,000 करोड़ रुपए की लागत नाल मेडिसिटी प्रोजेक्ट स्थापित करन संबंधी पंजाब सरकार नूं इच्छा जाहिर की है। पंजाब विच विदेशी निवेश संबंधी प्रचार करने वास्ते बनाई हाई पावर इन्वेस्टमेंट कमेटी के मैंबर करण रंधावा ने उपरोक्त कंपनी वालों पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़े माजरा नूं लिखे इच्छा पत्थर की कापी जारी की है। उन्हां इस दौरान दस्या कि उपरोक्त कंपनी वल्लों इस प्रोजेक्ट अधीन 300 बैड का स्वय निर्भर सुपर स्पैशलिटी हस्पताल स्थापित करते हुए ब्रिटिश नैशनल हैल्थ सर्विस NHS अते होर विदेशी यूनीवर्सिटियां नाल एफिलिएटेड मेडिकल यूनीवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इस राही हैल्थ स्टाफ नूं विश्व पद्धर की सिक्ख्या प्रदान करते हुए इस खेत्र विच माहरां दी घाट दे संकट नाल नजिठिया जा सकेगा। इस तो इलावा इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने नाल 5,500 स्थानक लोगों सीधे ते असिधे तौर पर रोज़गार प्राप्त होएगा।
इस दे नाल ही स्थानक कामकाजी लोग अते कॉरपोरेट बीमा धारक विश्व पद्धरी सेहत सहूलता प्राप्त कर सकनगे। कंपनी वालों दित्ती गई तजवीज़ भारत विच एक विलक्षण मॉडल होवेगा जो स्वय निर्भर होण दा वादा करदे होए पावर सैक्टर लई ग्रीन एनर्जी की पैदावार करन नूं उत्साहित करेगा जो कि दूषित हो रहे वातावरण के हल विच वी सहाई होवेगा। इस तो इलावा पंजाब विच मैडिकल टूरिज्म की दिलचस्पी वधन नाल स्थानक अर्थव्यवस्था नूं भी भरपूर हुलारा मिलेगा। इस स्कीम की एक विशेषता यह भी है कि इस विच भारतीय अते ब्रिटिश यूनिवर्सिटियां वल्लों सांझे तौर पर सिक्ख्या दे सकणगियां। कंपनी वल्लों दित्ती गई स्कीम अधीन इस प्रोजैक्ट की रहिंद खूंद विचों घरेलू गैस अते किसानां लई ऑरगैनिक खादां भी तैयार कीतियां जा सकणगियां। करण रंधावा वालों पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों विदेशी निवेश लई कीती विशेष उपरालिया की भरपूर सलाह की गई जिन्हां दे फलस्वरूप हुण निवेशक वड्डी दिलचस्पी विखा रहे ने। यह तजवीज़ भी उसे का हिस्सा है। यूटी दी प्रशासन ने सुखना झील ते 6 अते 8 अक्तूबर नूं होण वाले एयर शो संबंधी कई दिशा निर्देश भी जारी कीते ने। झील दोवें दिन आम लोगों लई बंद रहेगी जिस कारण लोग सैर कर सकणगे। इस संबंधी यूटी प्रशासक दे सलाहकार धर्मपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान जानकारी दी। एयर शो लई पास शुरू कर दिते गए ने जो लोग सैर सपाटा विभाग की चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप राहीं प्राप्त कर सकते हैं। एयर शो दौरान लोग बैग जा खाण पीण का समान नहीं ले जा सकणगे। सिर्फ पानी दियां बोतलां दी मंजूरी है जो पारदर्शी होनियां चाहीदियां ने। सिर्फ तुसी CTU बस राहीं एयर शो तक पहुँच सकते हो। इस दे नाल ही लोगों नूं पिकअप पॉइंट ते कार छड्डनी पवेगी। प्रशासन मुताबिक सब तो पहला मोबाइल ऐप तो पासबुक करवाउणा होवेगा। पास मुफ्त होवेगा पर बस की सटल सेवा लई 20 रुपए प्रति व्यक्ति देने पैणगे। एक मोबाइल ते सिर्फ 2 पास ही बुक किए जा सकते हैं। दोवां लई ID लियाउणी होवेगी जिसकी बस विच बैठण समय जांच की जाएगी। इस दे नाल ही पास नूं भी स्कैन किया जाएगा। बच्चों लई रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। प्रशासन ने 11 थावां ते पिकअप पॉइंट बनाए ने जिथे लोगों नूं पहुँचना होवेगा। उस तो बाद CTU बस उन्होंने सुखना झील पहुँचावेगी। जिस पिकअप पॉइंट नूं तुसी चुनोगे उस दे नाल ही झील ते बैठन लई जोन अलॉट किया जाएगा। प्रशासन ने झील नूं 7 जोनां विच वंडिया है जिथों तक CTU बस राहीं ही पहुँचा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर नूं हवाई सेना दिवस के मुख्य समारोह विच मेहमान वजो शिरकत करनगे। 9 अक्टूबर नूं सवेरे 10 बजे UT सकत्तरेत दी इमारत का उद्घाटन करनगे। इस तो बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोग्राम दे विच हिस्सा लैणगे। इस संबंधी प्रशासकीय अधिकारी ने दस्या कि राष्ट्रपति का रात का ठहराव शहर विच ही होवेगा जिस दियां तैयारियां चल रही ने। राष्ट्रपति ने सैक्टर 9 स्थित सकत्तरेत की नवी इमारत का उद्घाटन करना है जो कि 7 मंजिला बनाई गई है। UT सकत्तरेत की इमारत नूं मुकम्मल करने लई दिन रात काम चल रहा है। इस इमारत नूं वातावरण पक्षी बनाउण लई कई प्रबंध किए गए ने। यह इमारत सैक्टर 19 स्थित वातावरण भवन की तर्ज से बनाई गई है। यह इमारत सोलर पावर प्लांट के नाल नाल भूचाल की समर्था नाल नजिठण दे समर्थ होवेगी। हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट नूं मान्यता देने दे विरोध विच अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दे दफ्तर तक रोस मार्च कढ़िया जा रहा है। श्रोमणी कमेटी प्रधान हरजिंदर सिंह तामी की अगवाई विच श्री दरबार साहब तो आरंभ होए इस रोस मार्च विच श्रोमणी कमेटी मैंबर तो इलावा वड्डी गिणती विच कर्मचारी कालियां दस्तारा सजा के शामिल होए ने। इस रोस मार्च विच SGPC मैंबर भाई मनजीत सिंह, गुरचरण सिंह गरेवाल, अमरजीत सिंह चावला, मैनेजर सुलखण सिंह पंगाली, सतनाम सिंह रियाड, जसपाल सिंह सने श्री हरिमंदर साहब दे रागियां ने भी विशेष तौर पर हिस्सा लिया। रोस मार्च करन तो बाद श्रोमणी कमेटी के मैंबरां वल्लों डिप्टी कमिश्नर अमृतसर नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नां ते मंग पत्र दिता जाएगा। मंगलवार सवेरे घरेलू वरतों लई मुख सब्जी मंडी चों सब्जी लैके जा रहे एक इंटरनेशनल कबड्डी खिडारी ते एक साबका फौजी वल्लों गोली चलाउण दा मामला सामने आया। इस बारे कबड्डी खिडारी जर्मनजीत सिंह वासी हसनपुर कलां दे दस्या कि मेरे घर मेरे पुत्र दा तिमान सी जिस नूं लैके मैं बटाला सब्जी मंडी तो सब्जी लैके वापस अपने पिंड नूं जा रहा सी तां सब्जी मंडी विच पार्किंग दे ठेकेदार मनजीत सिंह साबका फौजी ने मैनू पर्ची कटवाउण लई कहा ते मैं उस नूं कहा कि ए मैं घरेलू वरतों लई सब्जी लैके जा रहा जिस ते फौजी मेरे नाल बहस करन लग पिया ते तैश विच आ के उसने मेरे पैरां ते गोली चला दित्ती। इस दौरान किसी तरह मेरा बचाव हो गया। वारदात तो बाद गोली चलाउण वाला फौजी मौके तो फरार हो गया।
उधर इस वारदात की सूचना मिलते ही थाना सिविल लाइन पुलिस अते डीएसपी ललित कुमार मौके पर पहुंचे अते उन्हां दस्या कि इस मामले में तफतीश की जा रही है। उन्हां कहा कि जिस व्यक्ति ते गोली चलाउण दे दोष लगे ने उह साबका फौजी है जो कि मौके तो फरार है। उन्हां कहा कि पुलिस वालों केस दर्ज करके अगली कार्रवाई की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कौमी बुलारे राकेश टकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के परिवारों अजे तक इंसाफ नहीं मिलया। टकैत ने कहा कि देश पिछले साल 3 अक्टूबर तिकुणिया पिंड वापरी हिंसा को कदे नहीं भुल सकता जिस विच 8 लोगों की जान चली गई सी। जिक्रयोग है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे खिलाफ किसान 3 अक्टूबर 2021 तिकुणिया पिंड विच विरोध प्रदर्शन कर रहे सन अते इस दौरान कार नाल कुचल के 4 व्यक्तियों की मौत हो गई सी। उन्हां पत्रकारां नूं कहा कि पीड़ितों के परिवारों अजे तक इंसाफ नहीं मिलिया। हिंसा का जिक्र करते हुए टकैत ने कहा कि यह गांधी जयंती शांति का हफ्ता सी पर पिछले साल इस दौरान हिंसा विच 8 लोगों की जान चली गई जो बहुत मंदभागा सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तरस के आधार पर नियुक्ति हुई अधिकार नहीं सगों रियायत है अते अजिही नीति का उद्देश प्रभावित परिवारों को अचानक आए संकट तो उबारन विच मदद करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंधी पिछले हफ्ते केरल हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिता। डिवीजन बेंच के फैसले विच सिंगल जज के उस फैसले की पुष्टि की गई सी जिस विच फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकौर लिमिटेड अते होरना नू तरस के आधार पर एक महिला की नियुक्ति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया सी। जस्टिस एम आर शाह अते जस्टिस कृष्ण मुरारी के बेंच ने हुक्म विच कहा कि औरत दे पिता फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स त्रावणकौर लिमिटेड विच कार्यशील सन अते ड्यूटी दौरान ही उन्हां दी अप्रैल 1991 विच मौत हो गई सी। बेंच ने कहा कि उन्हां दी मौत दे समय उन्हां दी पत्नी नौकरी कर रही सी इसलिए पटिशन करता तरस दे आधार ते नियुक्ति दे योग नहीं है। हुण एयर इंडिया दीआं उड़ानां विच सफ़र करन वाले यात्री स्वाद भोजन का आनंद लै सकते हैं। असल विच एयरलाइन ते भी त्यौहार देखण नूं मिलदे ने। इस दे मद्देनज़र 1 अक्टूबर तो एयर इंडिया दीआं घरेलू उड़ानां विच यात्रियों नवीं मेनू सूची दी जा रही है। इस विच एक तो वध स्वादी अते सेहतमंद पकवानां नूं शामिल किया गया है। त्यौहारों के मद्देनज़र एयर इंडिया ने अपने यात्रियों लई नवी मेन्यू लिस्ट पेश की है। हुण इस विच नवी सूची के तहत देश भर में एयर इंडिया दी उड़ानों ते भोजन परोसया जा रहा है। इस साल जनवरी विच एयर इंडिया नू टाटा ने अपने कब्जे विच लै लिया सी। एयरलाइन ने अपनी रिलीज़ विच कहा कि मेन्यू विच सेहतमंद भोजन ट्रेंडी एपीटाइजर अते स्वादी मिठाइयां शामिल ने। इस विच भारत दी रिवायती झलक देखण नू मिल रही है। एयर इंडिया दे इन फ्लाइट सर्विसेज दे मुखी संदीप वर्मा ने कहा नवे मेन्यू विकल्पां विच आइटमां नू इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि यात्री इसका आनंद लैण तंदुरुस्त भी रहो। असी इस नवे मेन्यू नू पेश करन लई बहुत उत्साहित हाँ। अंतरराष्ट्रीय मेन्यू भी तैयार कर रहे हैं। पिछले महीने एयर इंडिया ने vihana.ai का पर्दाफाश किया। लगातार घाटे में चल रही एयरलाइंस अपनी सेवा में सुधार करने की कोशिश कर रही है। इसने अपने फ्लाइट का विस्तार किया। इस दे नाल ही इसने बाजार हिस्सेदारी भी वधाया। भारतीय पुलाड़ खोज संगठन इसरो ने सोमवार को पुष्टि की कि मंगलयान का जमीनी स्टेशन नालों संपर्क टुट गया जिसनों बहाल नहीं किया जा सकता अते इस तरह मिशन दी जीवन म्याद खत्म हो गई। मंगलयान नू सिर्फ 6 महीनों की म्याद लई तैयार किया गया सी पर इसने 8 साल काम किया। इसरो ने इस बारे एक अपडेट जानकारी दिती जिसने मंगल ग्रह के पंथ विच मार्स आर्बिटर मिशन MOM दे 8 साल पूरे होने मौके 27 सितंबर नू एक राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया। मंगलयान नू 5 नवंबर 2013 नू लॉन्च किया गया सी अते 24 सितंबर 2014 नू सफलतापूर्वक मंगल ग्रह दे पंध विच स्थापित किया गया सी। इसरो ने कहा इन्हां 8 सालों विच 5 विज्ञानिक यंत्रां नाल लैस इस यान ने मंगल दी धरती दीआं विशेषतावां इस दे रूप विज्ञान मंगल ग्रह दे वायुमंडल अते इस दे बाहरी खेतर बारे महत्वपूर्ण विज्ञानिक समझ दा तोहफा दित्ता है। ये सन अज दे मुख समाचार। तुसी वेखते रहो पंजाब मेल USA TV। सबसक्राइब करो पंजाब मेल USA TV। सत श्री अकाल जी।